जय हिंद। तो स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग ईथर का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तो मैं सुधीर कुमार और आपका ये प्यारा सा चैनल वायरस गुरु। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ईथर, ईथर होता है R O R, यानी ईथर का फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के साथ दो कार्बन जुड़े होंगे, यानी दो एल्काइल समूह जुड़े होंगे, तो ईथर कहलाएगा। ये रहा ईथर। अब ईथर दो प्रकार के होते हैं। पहला सिमेट्रिक सममित ईथर। इस ईथर में इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ दोनों एल्काइल समूह समान होगा, यानी R बराबर हो जाएगा R डैश। अगर दोनों एल्काइल समूह समान हो तो सममित ईथर कहलाएगा। इसका कॉमन नेम हम लोग लिखते हैं, कॉमन नेम होता है इसका डाइ एल्काइल ईथर। सबका नेमिंग देखेंगे हम लोग लास्ट में। सेकेंड देखिएगा, असिमेट्रिक ईथर। तो इसके बारे में आप लोग समझ रहे होंगे, दोनों एल्काइल समूह समान तो सिमेट्रिक, और दोनों एल्काइल समूह डिफरेंट तो असिमेट्रिक हो जाएगा, असिमेट्रिक ईथर। इसका कॉमन नेमिंग लिखेंगे हम लोग, इसका कॉमन नेम हो जाएगा एल्काइल ईथर। यानी ये जो दोनों एल्काइल समूह है ना, ये दोनों एल्काइल समूह, इसका नाम, अगर ये दोनों एल्काइल समूह समूह समान है तो लिखेंगे डाइल्काइल ईथर, और दोनों एल्काइल समूह डिफरेंट है तो लिखेंगे एल्काइल ईथर। तो ये हो जाएंगे कॉमन नेम। अब इसका हम IUPAC नाम देखते हैं। IUPAC नाम तो आप लोग किसी भी कंपाउंड के लिए बस एक ही ट्रिक पढ़े होंगे। किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेमिंग करना हो तो उसका बस एक ही ट्रिक होता है। वो ट्रिक होता है, सबसे पहले लिखते हैं हम लोग टू डिग्री प्रीफिक्स। इसके बाद लिखा जाता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। इसके बाद लिखा जाता है वर्ड रूट, जिसको हम लोग अल्क भी कहते हैं, अल्क जो कि कार्बन की संख्या को बताता है। इसके बाद लिखते हैं 1 डिग्री सफिक्स, और सबसे अंत में लिखते हैं 2 डिग्री सफिक्स। तो ये हो गए IUPAC नॉमेनक्लेचर का ट्रिक। इसमें आप लोग समझेंगे कि 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है। तो बता दें कि 1 डिग्री सफिक्स का प्रयोग करते हैं ब्रांच के लिए, 1 डिग्री प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं साइक्लिक कंपाउंड के लिए, और साइक्लिक कंपाउंड में बस अगर 12th की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ एक ही कंपाउंड के बारे में आप लोगों को जानना है, वो है एक साइकिल के लिए साइक्लो। वर्ड रूट का प्रयोग हम लोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ कार्बन की संख्या को बताने के लिए। अगर कार्बन की संख्या को लिखना हो तो वर्ड रूट का प्रयोग करेंगे। 1 डिग्री सफिक्स का प्रयोग करते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को जानने के लिए, यानी कंपाउंड सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है इसको जानने के लिए हम लोग 1 डिग्री सफिक्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कंपाउंड सेचुरेटेड हो तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और इसका 1 डिग्री सफिक्स हो जाएगा N, और डबल बॉन्ड हो तो 1 डिग्री सफिक्स होगा N, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो 1 डिग्री सफिक्स होगा N। और इस 2 डिग्री सफिक्स का प्रयोग करते हैं हम लोग क्रियाशील मूलक के लिए, यानी फंक्शनल ग्रुप के लिए। कंपाउंड में क्रियाशील मूलक उपस्थित हो तो 1 डिग्री सफिक्स लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। क्रियाशील मूलक के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। अब ईथर की बात करें तो ईथर में क्रियाशील मूलक ये तो होता है, लेकिन इसके OR का प्रयोग हम लोग करते हैं ब्रांच के रूप में। यानी यहाँ पर जो ब्रांच होगा ये OR, इसका नाम होता है एल्कॉक्सी। ब्रांच का नाम एल्कॉक्सी। जैसे यहाँ पर हम लिखा हुआ, अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए O के साथ CH3, तो इसके इसमें लिखोगे आप लोग, देखो अल्क जो कि कार्बन का संख्या बताता है, इसमें कार्बन का संख्या एक, तो लिखोगे मेथ, और अंत में जोड़ दोगे ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। इसी प्रकार से लिखा रहा है OCH2CH3, तो इसका नाम हो जाएगा, इसमें दो कार्बन के लिए एथ, और अंत में जुड़ जाएगा ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी। इसी प्रकार से इस ब्रांच का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें कार्बन की संख्या की, तो अगर कार्बन का संख्या एक हो तो लिखेंगे मेथ, दो कार्बन की संख्या के लिए एथ, और कार्बन का संख्या 3 हो तो लिखेंगे प्रोप। इसी प्रकार से 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, और 10 के लिए डेक लिखेंगे। उसी प्रकार से अब क्रियाशील मूलक की बात करें तो क्रियाशील मूलक के बारे में भी बता दें, अगर OH लिखा रहे तो लिखते हैं हम लोग, इसके लिए 2D सफिक्स लिखा जाता है ओल,
इसी जगह पर अगर सी एच ओ लिखा रहे तो लिखा जाता है अल, ये इस प्रकार से वगैरह वगैरह। तो क्रियाशील मूलक की हम बात नहीं कर रहे, अभी हम नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं ईथर की। तो यहाँ पर भी एक आध दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ईथर एग्जाम्पल, फर्स्ट सी एच थ्री ओ सी एच थ्री। पहले तो आप लोगों को जांच करना है कि ये कौन सा ईथर है, सममित है या असममित है। तो इसे आप लोग ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ऑक्सीजन से जो एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है वो दोनों समान है, और ये समूह है मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा सममित ईथर है। और सममित ईथर की बात करें तो इसके लिए कॉमन नाम हो जाएगा डाई एल्काइल ईथर। तो इसका इसका नाम लिखोगे आप लोग डाई मिथाइल ईथर, ये इसका कॉमन नाम हो गया। और आईयूपीएसी नाम लिखे तो पहले आप लोग आईयूपीएसी नाम के लिए तरीका याद रखना कि सबसे पहले मैन चेन को सिलेक्ट करते हैं, मैन चेन को सिलेक्ट करने के बाद कार्बन की काउंटिंग करते हैं। कार्बन की काउंटिंग का ऑर्डर होता है, सबसे पहला प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद ब्रांच को। अगर ब्रांच का पोजिशन सेम हो तो उस कंडीशन में देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। तो ये काउंटिंग का ट्रिक हुआ कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम स्थान देना है, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद ब्रांच को। इसमें चूंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं मानते हैं, इसमें जो है ना वो आ रहता है वो ब्रांच के रूप में रहता है। तो देखिए इसमें अगर काउंट करते हो कार्बन को, तो यहाँ से काउंट करो तो एक ही कार्बन प्राप्त होते हैं, इधर से भी काउंट करो एक ही कार्बन प्राप्त होता है। तो इन दोनों में से किसी एक को मैन चेन मान लेते हैं, इसको मैन चेन मान लेते हैं, तो ये पूरा ब्रांच हो जाएगा। अब इस ब्रांच के लिए देखो हम लोग क्या लिखते हैं, एल्कॉक्सी। एल्कॉक्सी अगर एक ही कार्बन है तो मिथॉक्सी हो जाएगा, यानी इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, जो कि ब्रांच है अपना मिथॉक्सी, और एक कार्बन के लिए मिथ, और अंत में जोड़ देंगे एन, क्योंकि एक कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड ही होंगे। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया मिथॉक्सी मिथेन। सेकेंड देखिएगा, ये लिखा रहे सी एच थ्री सी एच टू ओ सी एच थ्री। इसमें आप लोग देख रहे हो कि अगर इधर जाते हैं तो तीन कार्बन और इधर एक ही कार्बन है, तो मैन चेन अपना ये हो जाएगा वन टू, दो कार्बन के लिए मैन चेन। इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखोगे, एक ही नंबर पर ये पूरा समूह जुड़ा हुआ है तो वन मिथॉक्सी लिखे, या सिर्फ मिथॉक्सी लिख करके छोड़ दे, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी मिथॉक्सी। इसमें टोटल कार्बन का संख्या कितना है मैन चेन में, दो, दो कार्बन के लिए ईथ और सिंगल बोन के लिए एन। आप लोग ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये असिमेट्रिक ईथर है, यानी असममित ईथर है। असममित ईथर में ईथर का जो कॉमन नेमिंग होता है वो लिखा जाता है एल्काइल एल्काइल ईथर, असममित ईथर का कॉमन नेम एल्काइल एल्काइल ईथर। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि एक मिथाइल है एक इथाइल है, तो इथाइल का नाम पहले लिखा जाएगा, इसलिए लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम। तो इसे छाप लें, फिर आगे बढ़ते हैं और भी कुछ उदाहरण देखते हैं। छाप लिया, मिटा दें, कुछ और नेमिंग देखते हैं इसका। ईथर कंप्लीट, ईथर कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का बस तीन लेक्चर में, जो कि 10 से 15 या 20 मिनट का लेक्चर होगा। इस लेक्चर में हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, और नॉमेनक्लेचर का मात्र 10 से 12 मिनट का लेक्चर होने वाला है, इसमें नॉमेनक्लेचर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और सभी ईथर का नेमिंग आप लोग आसानी से कर पाओगे। तो ये दो एग्जांपल हो गए, इसके बाद तीसरा एग्जांपल देखिएगा। तीसरा एग्जांपल, तीसरा सी एच थ्री सी एच टू ओ सी एच थ्री, ये रहे जिसमें आप लोग देख रहे हो मैन चेन में कार्बन का संख्या वन टू थ्री, मैन चेन में तीन कार्बन और ये एक नंबर पर ब्रांच जुड़ा हुआ है जो है ओ सी एच थ्री। तो सी एच थ्री एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मिथ लिखेंगे, उसके बाद इसे जोड़ देंगे ऑक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी, और तीन कार्बन के लिए प्रोप, और अंत में जोड़ देंगे एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो मिथॉक्सी प्रोपेन, इसका कॉमन नाम लिखे तो इसका हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर। क्या नाम होगा कॉमन, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, एल्काइल एल्काइल ईथर। एल्काइल एल्काइल ईथर इसलिए क्योंकि यह असिमेट्रिक ईथर है। अनेक्स्ट देखिएगा सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री ओ सी एच थ्री, इसका कॉमन नेमिंग देखिए तो इस पूरे का नाम है मिथाइल, और इस तरह का आप लोगों को कहीं समूह मिल जाए तो इसके लिए लिखते हैं आइजो, और तीन कार्बन के लिए प्रोप, तो आइजो प्रोप, और ये एल्काइल समूह होगा तो अंत में लिख देंगे वाई एल, तो इसका नाम हो गया आइजो प्रोपाइल, और इसका नाम मिथाइल। तो आई पहले आता है इसलिए लिखेंगे आइजो प्रोपाइल
उसके बाद मिथाइल और अंत में ईथर। इसका आईयूपीएसी नाम देखिएगा। काउंटिंग आप लोग यहाँ से करके कोई गलती मत कर देना। अगर यहाँ से काउंटिंग करते हो तो ये समझोगे कि एक एक दो कार्बन का एक लंबा श्रृंखला हो गया जिसमें एक कार्बन पर मिथाइल जुड़ा हुआ है और एक ही नंबर पर ये मिथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं। कार्बन का काउंटिंग करेंगे यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो ये दो हो जाएगा और ये तीन। आप लोग देख रहे हो कि यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो टोटल तीन कार्बन प्राप्त हो रहे हैं, तो ये लंबा श्रृंखला हुआ, इसी को मेंशन कहेंगे। अब इसके दो नंबर पर मिथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है तो नाम हो जाएगा टू मिथॉक्सी और टोटल कार्बन का संख्या मेंशन में तीन, तो प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो जाएगा। तो ये हो गए। नेक्स्ट देखिएगा पांचवा नंबर, ये CH3CH यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, फिर CH यहाँ पर OCH3 जुड़ा हुआ है, फिर CH2 यहाँ CH2 और इसे जुड़ा हुआ है OCH3। चलिए इसका नेमिंग करते हैं। तो इसमें आप लोग सबसे पहले मैन चेन को सिलेक्ट करें। मैन चेन को सेलेक्ट करने के लिए देखो कि कार्बन का संख्या किस में ज़्यादा है। आप लोग यहाँ से काउंट करते हो या फिर इसको सेलेक्ट करते हो तो इसमें कार्बन का संख्या 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है। मैन चेन को सिलेक्ट कर लिए कि जिसमें 5 कार्बन है, ज़्यादा कार्बन है तो वो मैन चेन हो गए। अब हमें देखना है कि ब्रांच कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं और कितने नंबर पर जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ से देखते हो क्लोरीन को तो इधर से काउंटिंग करेंगे तो 2 नंबर पर, और यहाँ देखोगे इधर से काउंटिंग करोगे तो मिथॉक्सी आ जाएगा 1 ही नंबर पर। तो काउंटिंग उस तरफ से करेंगे जिस तरफ से इस ब्रांच को मिनिमम स्थान मिले। तो ब्रांच को यहाँ से काउंट करते हैं तो 1 नंबर पर स्थान मिलता है, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो काउंटिंग इस तरफ से हो जाएगी। अब देखिए टोटल ब्रांच का संख्या कितना, एक ये रहा और एक ये रहा। दो सेम ब्रांच है मिथॉक्सी और एक ब्रांच है क्लोरो। क्लोरो पहले आता है तो लिखेंगे हम लोग 4 क्लोरो। इसमें टोटल कार्बन का 4 क्लोरो और 2 मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है जो कि सेम है 1 नंबर पर और 3 नंबर पर, तो लिखेंगे 1.3 डाइमिथाइल। टोटल कार्बन का संख्या 5 कार्बन के लिए पेंट लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड के लिए लिख देंगे एन। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इसलिए एन। नेक्स्ट देखिएगा छठा एग्जांपल, बेंजीन रिंग, इससे जुड़ा हुआ है ओ और इससे जुड़ा हुआ है CH3। पहले तो ये देखें कि ये सममित है या असममित है। इसमें ऑक्सीजन के साथ एक CH3 जुड़ा हुआ है मिथाइल समूह और एक ये पूरा समूह जुड़ा हुआ है जो कि फिनाइल समूह है, तो ये असममित इधर हो जाएंगे। अब इसका नेमिंग करें तो कॉमन नेम हो जाएगा फिनाइल मिथाइल ईथर, पहले मिथाइल होगा क्योंकि हम पहले आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल फिनाइल और अंत में जोड़ देंगे लिख देंगे ईथर, तो मिथाइल फिनाइल ईथर। इसका आईयूपीएसी नाम की बात करें तो ये बेंजीन रिंग रहा। इस रिंग के 1 नंबर पर ये पूरा मिथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे 1 मिथॉक्सी और बेंजीन है तो बेंजीन लिखती 1 मिथॉक्सी बेंजीन। और इसका एक और नाम होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एनिसोल। ये रहा एनिसोल। नेक्स्ट देखिएगा, ये 6ठा नंबर हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट 7वां नंबर, CH3CH2O और इसके साथ जुड़ा हुआ है ये बेंजीन रिंग, ये वाला। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि बेंजीन रिंग के साथ O जुड़ा हुआ है और O से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इस पूरे का नाम हो जाएगा इथॉक्सी और ये बेंजीन है। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। और कॉमन नेम की बात करें तो हो जाएगा इथाइल फिनाइल ईथर। ये इसका कॉमन नाम हो गया, कॉमन नेम हो गया। और भी कुछ एग्जांपल देख लीजिए, 8वां नंबर, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक मिथाइल समूह जोड़ दिए, यहाँ पर O के साथ CH3 जोड़ दिए, यहाँ पर Br जोड़ दिए और बस यहाँ पर दे देते हैं डबल बॉन्ड इस तरह से। तो इसका काउंटिंग कीजिए, काउंटिंग करिएगा तो इधर से आएगा 1, 2, 3, 3 नंबर पर ब्रोमीन आ रहा है, ब्रांच 3 नंबर पर आ रहा है। इधर से काउंट करते हैं तो 1, 2, 3 ब्रांच 3 नंबर पर आ रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड की बात करें तो इधर से नज़दीक आ रहा है 1, 2, 3। तो काउंटिंग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम स्थान मिले। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तब देखेंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है और अंत में देखते हैं ब्रांच को, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है काउंटिंग का। तो डबल बॉन्ड आ रहे हैं नज़दीक इधर से, इसलिए इधर से काउंटिंग हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 कार्बन हो गए मेन चेन में। टोटल ब्रांच का संख्या 1 यहाँ 1 यहाँ और 1 यहाँ, 3 ब्रांच है। पहले हम ब्रोमो का नाम लिखेंगे तो नाम हो जाएगा 6 ब्रोमो 5 क्लोरो। उसके बाद मिथॉक्सी है 3 नंबर पर तो 3 मिथॉक्सी
थ्री मिथॉक्सी, टोटल कार्बन का संख्या हो जाएगा 8, 8 के लिए ऑक्ट और सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड नहीं एक डबल बॉन्ड है ऑक्ट, और तीन नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 3 और अंत में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से होगा ईथर का नॉमेनक्लेचर। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और बेहतर कंसेप्ट के साथ, तब तक पढ़ते रहें।